जितने बहुजन नायक और नायिकाएं हैं उनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमन करता हूं। वैसे एक बहुजन वीरांगना की धरती ये चंबल घाटी भी बिहड़ में 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था और 2 अप्रैल 2018 को हमारे कई नौजवान साथी इस क्षेत्र में बिहड़ के इस मुरैना और ग्वालियर के क्षेत्र में शहीद हुए, उनको भी नमन करता हूं। और लोकनायक न्यूज सब्सक्राइब कर लिया मैंने और 2-4 इंटरव्यू इसका करके उसको बढ़ा भी दूंगा। लोकनायक न्यूज की पूरी टीम सुनील मौर्य को तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी राहुल ने बताया मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं नौकरी करता हूं, मेरे दाल रोटी का इंतजाम वहां से चलता है, इसलिए मैं उस पर एक्स्ट्रा कोई अकाउंट नंबर नहीं डालता, क्योंकि जब जरूरत होगी तो आपसे करोड़ों रुपए लिया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। जब आंदोलन समाज के लिए जरूरत होगी तब बोले, अपने लिए नहीं जरूरी। तो इस सिलसिले में मैं सुनील को कुछ राय भी दूंगा कि जैसे ढाबा खोलते हैं ना तो उसको चलाने के लिए 3 साल पूरी तैयारी रखनी पड़ती है ब्रेक इवेंट पे लाने की, तो इसको खाली ब्रेक इवेंट पे लाने के लिए 3 साल वक्त लगेंगे। इसलिए मैंने जहां भी जाता हूं अपने दोस्तों को कहता हूं जितने तामझाम है इसमें कम खर्चा कीजिए, जितने तामझाम ये है इसमें कम खर्चा कीजिए, बचा कर रखिए आगे काम आएगा। और आप लोग से पहले अपील कर देता हूं कि कम से कम ऐसे नौजवान साथी को यथासंभव अपना अकाउंट नंबर डालिए चैनल पे, यथासंभव 100, 200, 500 आप देते रहिए कि इसका खर्चा चलता रहे। ये पहला मेरा सुझाव है इनके लिए भी और आप सबके लिए। चलिए अब आता हूं कुछ काम की बात भी कर लू, वैसे ये भी काम की बात थी, ज्यादा जरूरी बात थी, ये नहीं बोलेंगे मैंने ही कह दिया। तो अभी हाँ इसको दाल रोटी चलाना, भाई मैं तो प्रोफेसर हूं, मुझे तो सैलरी मिल जाती, थोड़ा बहुत कम होता है तो दोस्त लोग से मांग लेते और मांगने में भी कोताही हम नहीं बरतते, बोल देते हैं दे दीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा आंदोलन कार्य लोग हैं तो जाना ना ट्रैवल करना उसका भी पैसा जेब से कई बार लगता है। तो चलिए आज मैं आ रहा था मुरैना, पहली बार आया हूं, बिहार की धरती, तो एक अभी फिल्म का डायलॉग सुना इरफान साहब का, मैंने लगाया भी था स्टोरी में कि बिहार में तो बागी होते हैं, डाकू तो संसद में होते हैं, पान सिंह तोमर फिल्म का नाम। तो मैं अभी अनिल कोचौरिया साहब से मैं पूछ रहा था कि आखिर आजकल बिहार में कुछ बागी वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो इन्होंने कहा कि नहीं आजकल बागी मिलते नहीं है, आजकल सब वो मामला खत्म है। तो मैंने कहा कि आजकल बागी जो जो नाइंसाफी और सामंती जुल्म के खिलाफ और पूंजीवादी उत्पीड़न के खिलाफ जो संघर्ष करते हैं वो बागी आजकल बिहार में नहीं यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। वो यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर मिलते हैं आपको, और शायद अगर उस समय के पत्रकार अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए होते तो फूलन देवी को इंसाफ मिल गया रहा। अगर पत्रकारों की तारीफ और मंत्री सरकार करना शुरू कर दे, सरकार और मिनिस्टर और नेता लोग बोले कि सुनील मौर्य बहुत अच्छा पत्रकार है, तब मुझे इसकी पत्रकारिता पे संदेह होगा। एक अच्छा पत्रकार वो हर समय व्यवस्था के नजर में, आजकल क्या बोलते हैं अरमन नक्सल बोल देते हैं, देशद्रोही बोल देते हैं, एक अच्छा सवाल करने वाला पत्रकार सरकार की नजर में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और मैं इतिहास का छात्र हूं इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि इतिहास पहला सवाल व्हाई, व्हेन, कब, क्यों, कैसे, हम लोग सवाल पूछना सिखलाते हैं। और जो व्यक्ति और जो समाज जो पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछता है व्यवस्था से, तो समझिए उसके इंटीग्रिटी पे
डाउट है तब आप गोली मीडिया बने। वैसे बहुजन मीडिया में भी आजकल गोली मीडिया है, इसी बात में। अब मैं उदाहरण देता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दो चार मिनट, क्योंकि राहुल ने कुछ परिचय दे ही दिया है, तो कुछ सुनील को इतिहास के छात्र और शिक्षक होने के नाते कुछ राय मशवरा भी दूंगा। एक तो ब्रेकिंग न्यूज वाला चक्कर में जो है, ब्रेकिंग न्यूज का चक्कर है, उसने बहुत पत्रकारों को बर्बाद कर दिया है। दिन भर ढूंढता रहता है कहां से ब्रेकिंग न्यूज, कहां से ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी, उसको कहते हैं स्टोरी। उस चक्कर में बहुत पत्रकारों को परेशान कर दिया, उसका शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ चुका है, सब बढ़ चुका है। मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मैंने अभी बात कही, थोड़ा सा बीच में से मैं मिस कर गया, मैंने सोशल मीडिया की ताकत की बात कई साथी अभी कह रहे थे, तो कई पिछले चार पांच साल में कई आंदोलन है, उसका जिक्र यहां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही असली बहुजन मीडिया है, ये समझिए। ये कोई कॉरपोरेट घराने से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये समाज के चंदा से चल रहा है, चाहे जो यूट्यूबर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे चल रहा है। कुछ लोग हम लोग हैं जो नौकरी करते हैं तो चलते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, देख लेंगे। और इस मीडिया की ताकत थी, अभी नया आईटी एक्ट हुआ है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। जब तक इस सरकार को सोशल मीडिया का लाभ था, आप 2014 का पूरा चुनाव उठाकर देख लीजिए, 2014 का चुनाव उठाकर देखिए, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये सरकार आई। और जब आप लोगों में चेतना आने लगी, सोशल मीडिया का खेल शुरू हुआ, 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, 5 मार्च 2019 को भारत बंद हुआ रोस्टर के सवाल पर, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर भी सरकार बैकफुट पे गई, और अभी जाति जनगणना के सवाल पर भी ये सरकार बैकफुट पर है, और वहां जाके मंत्री साहब जो फोटो खिंचवाता है पीएम के साथ, उसको पता नहीं कि सोशल मीडिया पर जब सैकड़ों लोगों ने लिखना शुरू किया, तब नेताओं के कान में से रुई निकला, तब सुनाई दे रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप लोग जाके हमारे दिलीप मंडल साहब के ट्विटर फेसबुक पर देख लीजिए, कितने दिन से हम लोग धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ, नहीं तो कम से कम एक काम करो, ब्राह्मण की जनगणना करा लो, बाकी छोड़ो, ब्राह्मण की ही जनगणना कराओ। तो ये सोशल मीडिया का पंच है, ये पावर है, ये इसको सशक्त करेगा कौन? ये मूक नायक से जो लोक नायक तक आया है, पूरी जो यात्रा है 100 वर्ष की, ये सशक्त आप लोग के 1 रुपये से आपका वैकल्पिक मीडिया खड़ा होगा। इसलिए जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, जो बोल सकता है, देखिए मैं बहुत विशुद्धतावादी नहीं हूं, सिंपल, मैं विशुद्धतावादी नहीं हूं, मैं लेंस लेके नहीं ढूंढते रहता हूं कि 100 कैरेट मिला कि नहीं मिला। अरे समाज हमारा अभी जागृत उतना नहीं, जिससे जो मिल रहा है ले लो, जिससे जितना काम हो रहा है ले लो। अब हिंदू पद्धति में शादी जब होती है तो पान का पत्ता नहीं मिलता है तो पंडित जी कहते हैं कि डंडी लाओ, डंडी से ही काम चलाओ, डंडी से ही विधि कर देते हैं, करते कि नहीं करते। तो उसी तरीके से ये समाज अगर आप चाह रहे हैं, ये खाली नारे लगाने से और जिंदाबाद मुर्दाबाद और जय भीम कहने से क्रांति हो जाएगी ना, तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं होगी। क्योंकि सामाजिक क्रांति करने के लिए, समाज परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। बाबा साहब कोई एटम बम लेकर नहीं आए थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए थे, कई डिग्रियां लेकर आए थे, वो इतिहासकार थे, वो समाज शास्त्री थे। सब यूनिवर्सिटी होंगे कि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है, बहुत अच्छी बात है। तो कितना लोग अपना बच्चा को इतिहासकार बना रहा है जरा बताइए, तो कितने लोग पढ़वा रहे इतिहास? तो जब इतिहास ही नहीं पता है, इसलिए सरकार जब बनती बिगड़ती है तो सबसे ज्यादा जो है इतिहास के सिलेबस में हमला होता है, पहले इतिहास बदलो। और आप लोग सब बोलते बहुत ज्यादा, समाज से 100 बच्चे खड़ा कीजिए जो लंदन कोलंबिया हार्वर्ड जाके पढ़ के आए, इतिहासकार बने, समाज शास्त्री बने, अर्थशास्त्री बने,
तब जाके सिर्फ संख्या से आप हासिल नहीं कर सकते हैं, यह बुद्धि की लड़ाई है, यह विवेक की लड़ाई है। बुद्धि वर्चस्व के द्वारा ही आपको कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो 85 और 90 का नारा कितने साल से चल रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाए। एक आज सीएम पीएम बना लोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। सीएम पीएम बनाते रहो, अभी तो कहने के लिए ओबीसी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब दलित राष्ट्रपति हैं, तो सारे आरक्षण क्यों खत्म होते जा रहे हैं, क्यों निजीकरण होते जा रहे हैं। ये बुद्धि की लड़ाई है, इस बात को हमें समझना है। चलते चलते एक बात कह रहा हूं, एक राय तो मैंने दे ही दी कि बहुत खर्चा वर्चा ज्यादा नहीं करना है, 3 साल सस्टेन करना मुश्किल काम है एक एक जर्नलिस्ट के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि हर समय कंटेंट और क्वालिटी पे आप नजर रखें। अगर आप देख रहे होंगे अम्बेडकर नाम है यूट्यूब चैनल, मेरी पत्नी भी वीडियोस बनाती है, वाइफ बेटा सब लग के उसमें काम करते हैं सर। और क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उससे पैसा हमें मिले, इसलिए कम से कम आप सुनिए। मोटी मोटी किताब बाबा साहब की कोई नहीं पढ़ सकता, सब लोग नहीं पढ़ सकता है। अगर 5 साल पहले हमको बोलते तो मैं भी अम्बेडकरवादी नहीं था, सब लोग कैसे अम्बेडकर पढ़ ले। मैं तो इतिहास का छात्र हूं, हम जोर लगा के पढ़ना पड़ा, उसको समझना पड़ा। तो जो डॉक्टर साहब है वही अम्बेडकर पढ़ लेंगे, जो नेताजी है वही पढ़ लेंगे, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं मोटी मोटी किताब। तो इस लॉकडाउन में मैंने सोचा घर बैठे बैठे कि चलो अम्बेडकर नामा ही शुरू करते हैं। और कम से कम इसका कारण मैं बता रहा हूं, पिछले 5 साल में कम से कम 500 सभाएं हमने भारत भर में की होंगी, और जहां मैं गया वहां एक बात हमने सीखा। हमारे लोग नारा लगा सकते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन पूछो तो कि बाबा साहब ये बात कहां और कब बोले थे, कुछ नहीं पता है। बहुत बड़े बड़े देखता हूं संगठन वाले दिन भर भाषण देते रहते हैं, 2-2 घंटा, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था। भाई कहां कहा था, कौन से सन में कहा था, किस पेज नंबर में लिखा हुआ है, तो वो पता नहीं है, वो पता नहीं। आप मुझे 5-10 आदमी बता दीजिए कि जहां पे ये बता रहा हो कि धर्मांतरण, वो क्या बात कर रहे थे। उन्होंने जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य रखे थे, एक राजनीतिक सत्ता दिलाना, दूसरा एजुकेशन, तीसरा धर्म परिवर्तन, और चौथा अखबार के लिए भवन निर्माण करना, अखबार के लिए। और 2-2 रुपए उन्होंने चंदा लिए थे। आपको अगर देखना है तो जाके अम्बेडकर नामा पे टाइप कीजिए, प्लेलिस्ट में आ जाएगा मैंने कितने इमारत फंड पे कितने वीडियो बनाई है। 2-2 रुपया चंदा लिए थे अपना घर भरने के लिए नहीं, भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए, जनता अखबार निकालने के लिए, बहिष्कृत भारत निकालने के लिए, और बाद में प्रबुद्ध भारत निकालने के लिए। तो कह तो सब लोग रहे, लेकिन कैसे ये लोकनायक न्यूज चलेगा, कैसे इसमें कंटेंट डिलीवरी होगी, कैसे बढ़िया बढ़िया बात आएगा, ये इसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबको, आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए नारे लगाने से पहले ध्यान से, पहले बोलते थे कि ऋषि मुनि चिंतन मनन करने जाते थे, क्यों जाते थे, इत्मीनान से जब बैठेंगे ना, हम लोग पीएचडी जब करते हैं तो जब रूम के अंदर बैठते हैं इत्मीनान से 15 घंटा, तब सोचने में तब समझने में वक्त लगता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, इसलिए हमने भी जो बनाया जाकर उसमें देखिएगा, पेज नंबर रेफरेंस इस बुक में यहाँ लिखा हुआ है, धर्म परिवर्तन की बात उन्होंने 36 में धर्म परिवर्तन नहीं किया, 56 में किया, तो 20 साल क्या कर रहे थे। मध्य प्रदेश में एक बड़े चर्चित लोग समय कुछ मुझे सोशल मीडिया पे गाली दे रहे थे बहुत, ये तो नकली अम्बेडकरवादी, हमने हम वो भी नहीं, हम बाबा साहब का बिगड़ा चेला है। बोलो तुम असली अम्बेडकरवादी हो, जो जो सर्टिफिकेट बांट रहा है पहले बताओ कैसे हो असली अम्बेडकरवादी, क्या पढ़े हो, अम्बेडकरवाद क्या है। तो मैंने पूछा, बड़े विद्वान आदमी ने मुझे कहा कि अम्बेडकरवाद 22 प्रतिज्ञा है, तो अम्बेडकरवाद यदि 22 प्रतिज्ञा है तो बाबा साहब 40 साल घास काट रहे थे क्या, ये 17 वॉल्यूम मोटी मोटी किताब क्या है। तो आग्रह यह है कि एक सर्टिफिकेट बांटने की जो परंपरा है उसको छोड़िए, ईमानदारी से अपने, सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है जी, कई बच्चे उनका डेथ हो गया, जुनून था, पागलपन था। तो बाबा साहब जितना लिखे थे उतना उनके जीवन काल में लोग नहीं पढ़ा होगा, उतना पेज नंबर में बता बता के पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा लोग अब सुन रहे हैं बाबा साहब, उससे ज्यादा लोग सुन रहे हैं। तो ये गंभीर काम है मीडिया का काम, सनसनी खेज फैलाइएगा, कल हो यही ऑपरेसिव सरकार है पकड़ लेगी, सब बंद कर देंगे। इसलिए जो भी आप बात करें, जो भी काम करें, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन
प्रमाणिक सूचना के आधार पर, प्रमाणिक पठन के आधार पर काम करें, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपका भी जगह यहाँ बन जाएगा। बहुत बहुत बड़ा देश है भारत, सबका हिसाब किताब यहाँ हो जाता है। शुक्रिया, जय भीम साथियों, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी।